बटरफ्लाई के बाद हम लोग मिरेकल गार्डन पहुँचे जो वॉकिंग डिस्टेंस पर था, और मिरेकल गार्डन मैंने एंटर किया। फिर मैंने वहाँ की डेकोरेशन देखी और मैंने कलरफुल फ्लावर देखा, मैं तो देखती ही रह गई। मैंने कहा वाह क्या डेकोरेशन कर रखा है इन्होंने, मुझे तो बहुत अच्छी लगी यहाँ की डेकोरेशन वगैरह। इधर मेरे बच्चों ने गाड़ी पे बैठ के खूब इंजॉय किया, उनको बहुत अच्छा लग रहा था। मैंने बोला कि अरे उतर जाओ, तो बोल रहा नहीं नहीं मम्मा मुझे मज़ा आ रहा है, मेरा बेटे ने बोला। और इधर आप देख सकते हो क्या डेकोरेशन रखी अम्ब्रेला से, मैं तो बस उधर ही देख रही थी। यार क्या खूबसूरत इन्होंने डेकोरेशन कर रखी है। मैंने अपने हस्बैंड से बोला देख रहे हो कितनी कलरफुल है, मैं तो यहाँ पर थोड़ा सा डांस भी करने लगी। फिर हम लोग पार्क साइड में आ गए क्योंकि मेरे बेटे को तो वहीं पे अच्छा लग रहा था। वो बोल रहा था कि मम्मा हम लोग आप यहाँ पे बैठ जाओ, मैं यहाँ पे एंजॉय करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे रन करना चाहता हूँ। तो मैंने बोला कि चलो ओके, मैं हम लोग यहाँ बैठ रहे क्योंकि एक्चुअली में ना इन्होंने हर जगह अलाउ नहीं कर रखा था बैठने के लिए, कुछ जगह इन्होंने मतलब डिवाइड कर रखा था जहाँ पर आप बैठ सकते हो। तो फिर हम लोग बैठ गए तो बच्चे अपना इधर से उधर प्लेइंग करने लगे, तो हम लोग को भी चलो अच्छा लगा कि एटलीस्ट बच्चे इंजॉय कर रहे हैं। बट आप लोग जब भी मतलब कभी ऐसे प्लान बनाओ तो अर्ली मॉर्निंग मतलब 9 से 10 बजे आप पहुंच जाओ, क्योंकि यहाँ पे मैंने एक चीज़ नोटिस किया इवनिंग टाइम में कुछ भी यहाँ कुछ नहीं है, क्योंकि नेचुरल आपको देखना है तो उसके लिए आपको मॉर्निंग में मतलब 9 से 10 बजे आप पहुंच जाओगे तो आपको पूरा दिन मिल जाएगा और अपना बटरफ्लाई भी कवरेज कर सकते हो। अदरवाइज ना फिर उसके लिए आपको अलग आना पड़ेगा। तो हम लोग ना एक ही दिन में मतलब दोनों जगह का प्लान बना लिए थे कि हम लोग कुछ देर वहाँ पर रहेंगे, वहाँ पर आपको 2 आवर्स मतलब टोटल लगेंगे और यहाँ पर तो आपको चाहिए मतलब 4 to 5 आवर्स, कि आपको थोड़े बच्चों के साथ अगर आएँ तो उनको भी मतलब देखना पड़ता है कि मतलब बच्चे भी थक गए हैं, फिर आप थोड़ी देर बैठो, फिर उनको मतलब खिलाना, फिर ऐसे ना इस वजह से। तो आप मतलब मॉर्निंग का ही बनाना प्लान। यहाँ पर ना इवनिंग टाइम में मैजिकल शो हो रहा था, फिर हमने देखा वाओ क्या मैजिकल शो दिखा रहे हैं इन्होंने। एक्चुअली में हम लोग को आइडिया नहीं था कि यहाँ पे मैजिकल शो होता है। फिर हम लोग ऐसे घूम रहे थे, काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर भीड़ मतलब इकट्ठा हो रखी थी। तो फिर मैंने एक वहाँ पर पूछा एक बंदे से कि क्या आप यहाँ पर कोई शो वगैरह होने वाला, तो उन्होंने बोला हाँ इवनिंग टाइम में यहाँ पे शो दिखाते हैं, बहुत अच्छा आप देख सकते हो। तो फिर हम लोगों ने सोचा कि चलो थोड़ी देर बैठ के यहाँ पे देखते हैं। फिर हम मेरे बच्चों ने हमने खूब इंजॉय किया।